नमस्कार अगस्त सुपरफास्ट सहित विकास आरंभ करने खबर अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऋषिकेशर एम्स ठारे 35 पीएस ऑक्सीजन प्लांट उद्घाटन करते पीएम केयर अधीन निर्माण करा प्लांट देशर कोविड रोगी आवश्यकता को पूरण कर सक्षम हो पार बोली अवसर में प्रधानमंत्री कहते वर्तमान सुधा 1224 ऑक्सीजन प्लांट को पीएम केयर फंड तरफ फंडिंग आगक आहरी अनेक प्लांट व्यय अटकल अवसर में कोविड 19 विरोध में भारत वार ठारू बड़ वैक्सीनेशन ड्राइव करा जाउछि बोली प्रधानमंत्री कहते क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है। वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस क्षेत्र ने सेवा और समर्पण 20 वर्ष मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गरीबों उत्थान और देशर समृद्धि पाई बिना छुट्टी 20 वर्ष जन नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जने दूरदृष्टि संपन्न राजनेता हिसाब से नेतवा निष्पत्ति पाई विश्व दरबार में नुआ परिचय पाई भारत से देशर शीर्ष नेतृत्व भावे हो अबा गुजरात मुख्यमंत्री तांको नीति और निष्पत्ति रे गरीबों जीवनशैली आसी पर 2001 अक्टोबर 7 में गुजरात मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण पर विश्वर सबुठ बड़ गणतंत्र प्रधान सेवक भाव जारी रही जनसेवार यात्रा गुजरात मुख्यमंत्री भावे ज्योतिग्राम योजन राज्यर सबु गांव को 24 घंटा बिजुली सेवा जोगाई देते मोदी 2001 कच्छ भूकंप पर यह नुआ रूप देवार सक्षम होते मोदी गरीब परिवार को हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी 2 लाख टंका पर्यंत स्वास्थ्य बीमा लागू करते मोदी से हीपरी प्रधानमंत्री भाव में देशर 8 कोटी गरीबों मिली मागणा गैस कनेक्शन पीएम आवास योजन 3 कोटी गरीबों घर मिली जल जीवन मिशन में 5 कोटी घरे पाइप जोगे पहुंची पानी गरीबों स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विश्वर सबुठ बड़ स्वास्थ्य बीमा योजना हो पारी आयुष्मान भारत सेपरि गुजरात मुख्यमंत्री थिबा समय रे राज्य कृषि क्षेत्र रे अभिवृद्धि हार 11% थिला जेतबेले बी देश रे एही हार थिला 3% ज्योतिग्राम योजना रे गुजरात रो कृषक मानक पई बिजुली सुनिश्चित करथिले मोदी विशेषज्ञ टीम को नै आरंभ करथिबा कृषि रत चासमानक पई बेस उपदेय होइतला देश रे प्रधान सेवक हिसाब रे सबबेले अन्नदाताक दुख सुनि आछन्दि मोदी देश रे पाकापाकी 11 कोटी चासी को पीएम किसान योजना रे वार्षिक 6000 टंका लेखाए टंका मिलिछे सेपरि 22.9 कोटी लोक को मागणा सेल हेल्थ कार्ड मध्य दिया जाए ची देश में शीतल भंडार पर कृषि भित्तभूमि पर 1 लाख कोटी टंकार पांठि मोदी सरकार को बड़ निष्पत्ति रही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 वर्ष पूर्ति अवसर में बीजेपी पक्षर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो अवसर में आज राज्य बीजेपी पक्षर एक मागणा स्वास्थ्य शिविर आयोजित हो जो साधारण लोक मैंने मागणे डाक्तर मानज स्वास्थ्य जांच कराई पारिछंती एक कार्यक्रम में बीजेपी साधारण संपादिका लेखा श्री सामंत सियान समेत बहु नेता और कर्मी उपस्थित रही प्रधानमंत्री मोदी जो सेवा मनोभाव नहीं दीर्घ वर्ष धरिकी लोकंकर सेवा करी आछंती अनुप्राणित होकर आम विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करूँ जो थे ब्लड डोनेशन कैंप भी थिला सफे कार्यक्रम भी थिला नमामि गंगे रे नदी घाट सफे प्रोग्राम भी थिला आउ डाक्तरखाना मानक फल वितरण भी थिला सिंगल यूज प्लास्टिक रो वर्जन याकु पॉपुलराइज करबे ये सब अनेक कार्यक्रम भितर फ्री हेल्थ कैंप गोटे प्रमुख कार्यक्रम एवं याकु आज आम एठी भुवनेश्वर रे उन्मोचन करछु अतएव तांकर संवैधानिक पदपदवी रे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 20 वर्ष पूर्ति होउछि से उपलक्ष्य रे आज दिनक पई भुवनेश्वर आमर पार्टी ऑफिस रे फ्री हेल्थ चेकअप मांगणा रे स्वास्थ्य परीक्षा एवं औषध वितरण कार्यक्रम रखाइ सबुठ अधिक टंकार निलाम होती नीरज चोप्रा बहुचर्चित जावेलिन टोक्यो ओलंपिक्स और पाराओलंपिक्स में भाग नहीं भारतीय खेला प्रधानमंत्री मोदी को जो उपहार देते आज शेष होसबूर निलाम टोक्यो फेर पर प्रधानमंत्री को निज निजर खेल सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान करते अनेक खेला से सबको इ निलाम घोषणा कर किदिन ते आरंभ होता सेसबूर निलाम
ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଦାମ୍ରେ ନିଲାମ ଡକାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟୋକିଓରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଜାଭେଲିନ୍। ଏହାର ଦାମ 1 କୋଟି ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା 1,50,000ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା ସୁମିତ ଅଣ୍ଟିଲ୍ଙ୍କ ଜାଭେଲିନ୍ 1,20,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଏକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ 80 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହୋଇପାରିଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନିଲାମ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। 1,348 ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ 1,083 ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ନିଲାମ ହୋଇସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ବିଜେପି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ। କମିଟିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ 80 ଜଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। 50 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ, 179 ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କମିଟିରେ ଏଲ୍କେ ଆଡଭାନୀ, ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ସେହିପରି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ, କିରଣ ରିଜୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ହେଲେ। କମିଟିରେ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ, ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ମାନସ ମହାନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସ୍କୁଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା। ଶ୍ରୀନଗରର ଇଦ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଖ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସତିନ୍ଦର କୌର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଦୀପକ ରହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୁଳିଚାଳନା କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। तो पता चल गया कि ऐसे ऐसे ट्रेजेडी हुई है, तो बस उसके बाद अभी पता चल रहा है कि वो फ़ोन यूज़ हो रहा है और मिलिटेंट के पास है, किसके पास है। बस हमें शर्म आ रही है कि हमारी सिस्टम कैसा है। लेकिन हमने अभी इनके घर में इनके भाभी को कॉल किया, इनको पता नहीं था, फिर मेरी सिस्टर ने इनको सेंड कर दिया फ़ोटो, तो फिर इनको भी पता चल गया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। वो क्या करना चाहते हैं, वो हमारे मार्केट ऑब्वियसली यू नो एलिमेंट्स बैक्ड बाय पाकिस्तान। मैं तो ये इतने साल से दिन दहाड़े बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कम से कम लोकल मीडिया फ्रेटर्निटी को बोलता हूँ, खुदारा कॉल अ स्पेड अ स्पेड, इस सांप को सांप बोलिए। ये हमारे माशरे को तकसीम करने निकले हैं, हमारे माशरे को बर्बाद करना निकले। और ये ରାଜ୍ୟରେ କିଛିଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 582 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ 1 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 337 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 245 ଜଣ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 83 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟରେ 2021 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅବଦୁଲ ରେଜାକ ଗୁରୁନାହଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଲାଗି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରୟାଲ ସ୍ୱିଡିଶ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 1901 ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସାହିତ୍ୟରେ ଅବଦୁଲ ରେଜାକ ଗୁରୁନାହା 114ତମ ନୋବେଲ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ରେଜାକ ତାଞ୍ଜାନିଆର ନାଗରିକ, ତାଞ୍ଜାନିଆର ଜାଞ୍ଜିବରରେ 1948 ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରଜାକ 1960 ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ। ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସେ 10ଟି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଆସିଲା ମୃତ ହାତୀର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦର 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସକ୍ ବା ମାନସିକ ଆଘାତ କାରଣରୁ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ ନିକଟରେ ହାତୀଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫସି ରହିଥିଲା, ତେବେ ହାତୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହାତୀଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
রাতারাতি পিঁয়াজ দর ডবল হয়ে যাই একাথরকে 30 টাকা বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজ দুই দিন পূর্বে কিলো 30 টাকার বিক্রি হওয়া পিঁয়াজ এবে বহু বজারে 60 টাকার বিক্রি হচ্ছে অচানক ভাবে এভাবে দর বৃদ্ধি আজ সমস্ত হোস উড়াই দিয়েছে পরিবা দর আকাশ ছুঁয়া হয়ে বেড়ে হঠাৎ পিঁয়াজ বজারে লাগিথিবা নিয়া গরিব খাউটিঙ্ উপরে নির্ঘাত প্রহার করেছে মহারাষ্ট্র বেঙ্গালুর ও আন্ধ্রপ্রদেশে লগাণ বর্ষা কারণ পিঁয়াজ দর বড়ছে বলে ব্যবসায়ী কিন্তু রাজ্যের সমবায় স্কাম থমিবার না নেউনে আঠগড় পরে এবে বড়ম্বা জোড়মু সেবা সমবায় সমিতিরে বড় ধরনের দুর্নীতি চাষীমানক খাতার টঙ্কা হেফের হয়ে অভিযোগ হয়েছে দুর্নীতি জনাপড়া পরে বাঙ্কি ব্যাঙ্কর মুখ্য পরিচালক আঠগড় এআরসিএস এবং মানিয়াবন্ধ ব্রাঞ্চ ম্যানেজরকে ঘেরিছন্তি জোড়মু গ্রামবাসী গাঁরে উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি লাগি রয়েছে বিস্ফোরক গদারে যাজপুর ধর্মশালা পুণিথরে যাজপুর বিপুল পরিমাণর বিস্ফোরক জবত লুণিবর খনি খাদানঠার কিছু দূরে পোতা যাইতিবা বিস্ফোরক জবত করেছে পুলিশ পূর্বরু মধ্যে সাতমাণ গাঁরে মাত্রাধিক বিস্ফোরক জবত হয়েছিল তবে এতে বড় প্রশ্ন উঠিছে এ বিস্ফোরক কাহার এখন কিয়ে এবং কাহিকি রকিদেলে বেআইন পথর খোঁজা খোলাপাই রখা যাইছিল কি এতে বড় প্রভাবশালী হাত থাকা সন্দেহ করা যাচ্ছে পূর্বরু মধ্যে মামু ভণজা ঘাই বেড়ে ডিনামাইট এবং বিস্ফোরকরে উড়াই যাওয়া নিয়ে সারা রাজ্যের চহল পড়েছিল ঘটনাকে নিয়ে এবে বি বড় কার্যানুষ্ঠান হয়নি সেপটে পুঁ থেকে বিস্ফোরক জবত হওয়া জেলার বড় ধরনের চোরা কারবার হওয়া সন্দেহ করা যাচ্ছে ভিজিলান্স বিভাগ গোটে পত্র মধ্যে লিখিলা যে এখানে সীমা সরহদ কোণী নথাই কলাপথর আমি কেমিতি তদন্ত করবু পরবর্তী সময় জেলাপাল নির্দেশে ধর্মশালা তহসিল পক্ষ সে অঞ্চলের আরআইজি অনেক দায়িত্বর অনেক আরআই সি যাই সীমা যাহা চিহ্ন ভিজিলান্স বিভাগ মধ্যে সেইটি তার মাপচুপ করছে যা মানে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কিন্তু সে অঞ্চলের আপন মানে দেখিবে এবং ভিজিলান্স বিভাগ নিজে অনুভব করছেন কোটি কোটি টাকার লক্ষ লক্ষ ট্রিপ কলাপথর লুট হয়েছে এবং শহ শহ কোটি টাকা সেটু লুট করা যাইছে এবং সেটি সবুঠ বড় কথা জঙ্গল জমি আর সেটি না এইটা এক ভয়ানক পরিস্থিতি আগুক সৃষ্টি করিপারে আমার সরকারিভাবে যেতেকি পরিমাণর পাহাড় যেহেতু কনস্ট্রকশন কাম পাই সেসবুর আবশ্যকতা রয়েছে গভর্নমেন্ট তরফ লিজ দিয়া হচ্ছে কিন্তু এই যে বিস্ফোরক করিকি পাহাড় ফটাইবা যেটা রয়েছে তার কিছু নির্দিষ্ট প্রশাসনিকভাবে কিছু ক্রাইটেরিয়া রয়েছে কি না নাই সেটা সেমানে যেমানে আনিকি রকুচন্তি সেমানকর সরকারিভাবে লাইসেন্স অছি কি না নাই মৃত ব্যক্তিক নাঁরে বীমা করে এলআইসি এজেন্ট গিরফ খোর্ধা এলআইসি কার্যালয়ের এজেন্ট কবিরাজ বেহরা গিরফ কলা ক্রাইমব্রাঞ্চ ইউডব্লু 2005-2009 ভিতরে 23 জন মৃত ব্যক্তিক নাঁরে বীমা করে 1,80,00,000 টাকা বীমা অর্থ উঠাই নিয়ে অভিযোগ হয়েছে বীমাপ্রাই ব্যবহার করুলে ফেক ডেথ সার্টিফিকেট সেইপরি কবিরাজ ঘর ভোটর কার্ড বিভিন্ন ব্যাঙ্কর এটিএম কার্ড জবত হয়েছে অভিযুক্ত খোর্ধা কোর্টে হাজর করেছে ইউডব্লু টাটা পাওয়ার কার্যালয়ে কাম করুথবা আউটসোর্সিং কর্মচারীঙ্ক অভিনব প্রতিবাদ ধারণা স্থলরে লণ্ডা হেলে আন্দোলনরত কর্মচারী হাতরে জামাসদিজ টাটাঙ্ক ফটো ধরি জনক পরে জনে কর্মচারী লণ্ডা হয়েছেন স্থায়ী নিযুক্তি দাবি করে 78 দিন হল টাটা কার্যালয় আগে বিক্ষোভ করে আসুচার শহ শহ আউটসোর্স কর্মচারী কিন্তু টাটা কি সরকার কর্মচারী দাবি ন শুণবার এমিটি অভিনব উপায় আন্দোলন করছেন আউটসোর্স কর্মচারী দীর্ঘ 15 বর্ষ হল আমি কাম কলু এতে বড় প্রাকৃতিক বিপর্যস্তরে কাম কলু বন্যা বাত্যা সময় সবুজ কাম কলু দীর্ঘ 78 স্ট্রাইক্রে বসিলু হলে বি আমার দাবি কর্তৃপক্ষ মানিলানি বুট পালিশ আরম্ভ করি লন্ডন হোচু বহুত আহরি কার্যক্রম অছি আত দিন পরে আমি যা কলে সে শুণবে সেইটি তাঁরে আজ লন্ডন হোচু এ টাটা কম্পানি আসিলা পরে আমার 78 দিন ধারণার বসলেন আপনার জানিছেন আমার দাবি পূরণ করুনা 2018 যে দাবি 200 পিলা পোস্টিং রেগুলার করা আর বাকি পিলা ইনসোরেন্স করা এই দাবিটা পূরণ করা আজ 78 দিন ওড়িশার বসিলু আমার কথা কে শুনু না এণু আমি মহান পুরুষ মহান দানী আমার জসিন টাটাঙ্কর দিন শ্রাদ্ধ দৌছু এণু সে দয়া করে আমি কিছু নিযুক্তি দেবে আমি পরিবার মঙ্গল করবে আমি পরিবার বঞ্চবু আমি বঞ্চাপ চাহু নাগাল্যান্ডে সিআরপিএফ জবান ভাবে কার্যরত জবানক নিখোঁজ ঘটনা আসামর লমটিংরু মিলিলা মৃতদেহ সূচনা অনুযায়ী সুবর্ণপুর সহর মঝিপড়ার প্রতাপ কুমার নায়ক 78 সিআরপিএফ বাটালিয়ান বি কম্পানিরে মিজোরাম ঠারে কার্যরত থিলে সে দিমাপুর রেল স্টেশনে গত 1 তারিখ রাতে 11:45 রেলরে বসি ঘরক বাহারি থিলে কিন্তু আজ সুদ্ধা ঘরে পৌঁছি নথিবার ঘরলোক তনাঘনা করেছিলেন এই সম্পর্কে ভুবনেশ্বর রেলবাই পুলিশ ও সিআরপিএফ কার্যালয়ে পরিবার অভিযোগ করেছিলেন
तेबे तांकर समस्त जिनिसपत्र बेंगालुरु रेल स्टेशन मिलिथवा बेले विभाग पक्षरु तांकर स्त्री को फोन जोगे जणा जाइथिबा तांकर स्त्री कहिसथि व्हाट्सएप रे आसिला जे माने तांकर सीआरपीएफ ना कंट्रोल रूम नागालैंड रु समने गोटे फोटो पठेले जे ए फोटो कार बोली बोले सेटा एक्चुअली भयंकर माने फोटो थिला माने से लोमडिंग स्टेशन रो ट्रैक रु तांको बॉडी मिली छे 2 तारिख रु दिन 12टा रु आमे पाइलोने बोली कहिले मु भाबु जे सर एक्चुअली सेठे माने से ट्रेन रे बसिबा पूर्व रु तांको गोटे आशंका थिला जे केते जन तांको फॉलो करुचंती बोली डकैती फकैती फॉलो करुचंती बोली तांकर आशंका थिला से भाउजन को कहिबे थिले मोबाइल रे किंतु माने से आशंका तांकर बोधे सत होइतो बोली मु भाबु छी आ सेते माने डकैती ही हेछि आर तांको ट्रेन रु फिंगी देइजंती पारादीप बंदरर नूतन अध्यक्ष भावे पोलाम राजू लक्ष्मी हरांत जोगदे पारादीप पहुंचा पर प्रथम जगन्नाथ मंदिर जाए आशीर्वाद नेवापर बंदर प्रशासनिक कार्यालय बंदर पक्षर स्वागत कर सहित गार्ड अफ अनर दि जाइए बंदर कर्मचारी पक्षर स्वागत कर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा हूँ बहुत खुशी भी है ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन का पद पर मेरे का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी दी है काम करने के लिए बहुत खुशी का बात है ये पोर्ट का मेरा मेजर टारगेट होता है इसका नंबर वन मेजर पोर्ट बनाने के लिए मेरा 5 साल का टेंड्यूर में हमारा टारगेट एक ही है मिशन नंबर वन इज द टारगेट विच हमारा एंटायर टीम बहुत बढ़िया टीम है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में ऑफिसर्स या स्टाफ है स्टीवर्स है और कस्टमर्स है ये सब लोग मिल के एक टीम जैसा काम करके इसको नंबर वन पोर्ट बनाना हमारा मिशन है हमारा टारगेट है उसके अलावा बहुत सारा प्रोजेक्ट्स भी है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपेंशन के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए मेजर प्रोजेक्ट है वेस्टर्न डॉक प्रोजेक्ट है सो वो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो उसको ऑलरेडी RFQ दिया हुआ है 5 बिड मिल गया स्टूटनी में है वो बहुत जल्दी से जल्दी वेस्टर्न डॉक प्रोजेक्ट को कमीशन करके हमारा कैपेसिटी बढ़ा देंगे चोरामद बिक्री को प्रतिवाद भद्रक जिला बासुदेवपुर थाना आरुहा पंचायत भागपुर ठारे चोरामद बिक्री को प्रतिवाद करी रास्ता उपरे टायर जाली रास्ता रोक करछंती अंचलवासी भागपुर ठारे दीर्घ दिन धरी चोरामद कारबार चालुथवा बेले पुलिस एथिपाई किछि पदक्षेप नेउनी फळरे अंचल रे निसाडिंग संख्या बढ़ुछे या विरोध रे अंचलवासी आंदोलन को ओल्हाइछंती टायर जाळीवार कारण होजे आमे माने बारंबार थाना उजाउछु थाना वाला किछि एक्शन नउनादी कहउछंदे गवर्नमेंट रहउछि मद व्यापार पैसा बुझे कि कहते आम आज बुबार थो नहींजिमु दीथर ने चार थर ने बुझे कि नहींजिमु का छाड़ू से जो बेपर से बेपर करियो केवल बंद कर उपाय हूँ तुम गाँव वाला एक कथा होता है डायरेक्ट मारिक बंद कर बंद कर रास्ता पर से मद दुकान कर गंडगोल छुआ मद दे कि मड मर कि ये कर बुबार थ मद दुकान स्कूल ठार 50 मीटर दूर अच्छे मार पाखापाखि हाँ सर थाना को जा थाना किसी बुझलानी थाना वाला उल्टी आ रही कहले तुम्हें जाइ निजे निजे तुम मारी पिटिकी जब बंद करें किसी ये करूँ आ सी कहले जो अबकारी बाला कति जुओ से तुम एप्लिकेसन दिए से मैंने बुझे से गला तो सर ताला पड़ते आम पलि जाइन आँ कर ड्यूटी रे थाई सोई पड़िले डाक्टर बाबू पुणी जने मदुआ डाक्टर विजुआल सोशल मीडिया रे वायरल होबार लागिछि पदर पड़ी डाक्टर खामख्याली नरम चरम अवहेला ढेंकानाल गंदिया श्रीरामचंद्रपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में देखा मिली एभली अभावनीय दृश्य डाक्तर अवनीकांत साहू कार्य निशा खाई सोई पड़ते रोगी माने आसी सेठार बहुत समय धरी अपेक्षार रही थे एमती कि डाक्तर बाबू एते निशार थिले जे सिक्युरिटी तांको उठेबा सत्ते बाबू उठी नथिले भी सेमिति सोई रही थे एने ढेंकानाल जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तांको कारण दर्शाओ नोटिस जारी करछन्ते नीलगिरी पुलिस को बड़ सफलता धरा पड़े बाइक चोरी रो बड़ गैंग नीलगिरी IIC वासुदेव जयसिंह नेतृत्व में एक स्वतंत्र पुलिस टीम विभिन्न जिले में चढ़ाऊ कर 12टी चोरी होता बाइक जबत करने 4 जन चोर को गिरफ्त कर गिरफ व्यक्ति मैंने खंतापड़ा थाना अंचल लिटु मल्लिक चित्तरंजन मल्लिक और बंत थाना अंचल जगबंधु जेना और शशिकांत जेना गिरफ्त पर कोर्ट चलाण होती नीलगिरी IIC नीलगिरी तथा आखपाखे आखि पिछुला के चोर मैंने बाइक चोरी कर फेरार हो जा पूर्व अनेक अभियोग रही
नियम उल्लंघन कर पुरी श्रीमंदिर सम्मुख को गाड़ी नेबा पड़ा महंगा कार्यानुषान दाबी विभिन्न महल दाबी होगापर शेष चंदवाली विधायकों ना कटिला चलाण निजर क्षमतार अपव्यवहार कर सरकारी नियम धज्जा उड़ाइवा जुव बीजेडी सभापति व्यंकेश रायों पर महंगा पड़ी व्यंकेश गाड़ी उपर 2000 टंका फाइन पड़ता बेले विधायकों ना कटिचे चलाण। बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अघटन कॉलेज रे डाक्तरी छात्री को आत्महत्या अभियोग संदेहजनक अवस्था रे तृतीय वर्षर छात्री निरुपमा नंदों मृतदेह मिली सेपटे परिवार आणिला संगीन अभियोग छात्री को हत्या करा जायतिबा परिवार पक्षर कह झरकारे झुली केमिति आत्महत्या संभव बोली परिवार पक्षर प्रश्न उठा जाइछि। बुधवार रात फोन और वीडियो कॉल माध्यम रे निरुपमा परिवार रे बापा माँ भाई और भौणी सह कथा होइतले किंतु राति 12टा परे मेडिकल फोन आसीथिला जे झियो आत्महत्या करिछि। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण लागि ई व्हीकल चलाचल नहीं नीतिगत प्रक्रिया आरंभ कर राज्य सरकार एने की मध्य गेजेट नोटिफिकेशन प्रकाश करने रिहाती व्यवस्था घोषणा कर सरकार तेज चार्जिंग स्टेशन प्रतिष्ठा नहीं प्रक्रिया चली परिवहन मंत्री कहते जे जी ई व्हीकल किण राज्य सरकार प्रोत्साहन देवे नुआ आईन आसवा पर नीतिगत निष्पत्ति होई चार्जिंग स्टेशन प्रतिष्ठा नहीं राज्य सरकार प्रक्रिया आरंभ कर विभाग आलोचना चली निर्दिष्ट केते व्यवधान में चार्जिंग स्टेशन प्रतिष्ठा से नहीं आलोचना चली खूब शीघ्र इस संक्रांत में निष्पत्ति परिवहन मंत्री कहते नुआ स्कार्प पॉलिसी नहीं आज गेजेट नोटिफिकेशन प्रकाश पाई सेपटे ओडिशा रे नुआ स्कार्प पॉलिसी लागू करा जीवो ना नहीं से नहीं द्वंद्व जारी रही पुलिस पॉलिसी लागू नहीं राज्य सरकार विचार विमर्श करुवा परिवहन मंत्री कहते स्कार्प पॉलिसी नहीं प्रतिक्रिया रखिंट परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा एप्रिल लागू हो केन्द्र सरकार पॉलिसी कर राज्य में कार्यकारी नहीं किसी निष्पत्ति होना जदि गाड़ी खराब थी से संक्रांत में विचार कर दुर्घटना रोकवाई तमिलनाडु मॉडल अपणेब ओडिशा राज्य में बढ़ी चली सड़क दुर्घटना दुर्घटना सह तालदे बढ़ुच्च दुर्घटन मृताहत संख्या यह दृष्टि रखी राज्य सरकार अपने जाऊँच तमिलनाडु मॉडल दुर्घटना कमेवाई राज्य में कौन प्रकार मॉडल अपणेबा पछघुंचा देवना बोली परिवहन मंत्री दुर्घटना रोकवा दिगरे तमिलनाडु मॉडल अपणेबा नहीं ओडिशार मुख्यमंत्री को केन्द्रमंत्री चिठी लिखि यह प्रसंगे प्रतिक्रिया रखिंट परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा। केन्दुझर जिला शिक्षाधिकारी भूल निष्पत्ति जो जिले में कार्यरत 1000 ऊर्ध शिक्षक पदनीतिर वंचित होता अभियोग हो प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक उच्च प्राथमिक विभाग प्रधान शिक्षक स्वीकृतिप्राप्त कला और विज्ञान शिक्षकों को मिसाई जिले में मोट 1642 गोटी पदवी खाली पड़ी। केन्दुझर जिला शिक्षाधिकारी जिले में खाली थे समस्त पदवी संपर्क में विभाग को सठिक तथ्य नदेवर जिलार 1000 अधिक शिक्षक चलित वर्ष पदनीतिर वंचित होती यह घटना को विरोध कर आज केन्दुझर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ आह्वान में आंदपुर उपखंड हाटडीह घसीपुरा और आंदपुर ब्लक शिक्षक मैंने घसीपुरा झाड़ेश्वर कल्याण मंडप ठारे बैठक करती पदवी केन्दुझर जिला अनुमोदित होता से पदवी को डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन कमिटी डायरेक्टर का अप्रुवल प्रपोजाल नक मात्र 15 भाग भागे मात्र 1642 बदल मात्र 146 जन को प्रमोशन देवाई निष्पत्ति नहीं आम डीओ ऑफिस तरफ जो चंचकता करी निहाती अल्प पोस्ट प्रमोशन भिए रु भिवी को दि जाए आम प्रतिवाद करुचु पड़ोसी जाजपुर जिले में जमी अधिक पोस्ट कराई इमिडियट भैकेंसी को शो कर फिलअप करने मैंने खूब शीघ्र जिला शिक्षा अधिकारी से करूँ अन्यथा आम आंदोलन और बाध्य हाइकोर्टर द्वारस्थ हो। अर्घ सुपरफास्ट समय सर बुलेटिन को रखा नमस्कार।